आज है 11 अप्रैल 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक साल में स्वच्छता से जुड़ी 14,000 से ज्यादा शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर। स्वच्छता में 7 बार देश का नंबर 1 शहर रह चुके इंदौर की सफाई व्यवस्था धीरे धीरे पटरी से उतरने लगी है। जगह जगह कचरे के ढेर नजर आने लगे हैं। हालत यह है कि जिस शहर की स्वच्छता की मिसाल पूरे देश में दी जाती है, जिसका अपना खुद का स्वच्छता निगरानी सिस्टम है और जो 311 एप के माध्यम से शिकायतों के त्वरित निराकरण का दावा करता है, उस इंदौर की स्वच्छता को लेकर एक वर्ष में 14,000 से ज्यादा शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर पहुंच चुकी हैं। होम्योपैथी शिक्षा की तरफ बढ़ा विद्यार्थियों का रुझान। समय के साथ चिकित्सा पद्धति में बहुत से बदलाव आए। होम्योपैथी चिकित्सा के माध्यम से छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियों से बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करने का दावा डॉक्टर करते आए हैं। होम्योपैथी भी समय के साथ एडवांस होती जा रही है। छोटी छोटी गोलियों और लिक्विड हमारे रोजमर्रा की बीमारियों के इलाज में उपयोगी मानी गई है। होम्योपैथी चिकित्सकों का कहना है कि चिकित्सा की इस विधा की तरफ विद्यार्थियों का रुझान बढ़ रहा है। मेट्रो के दूसरे चरण का काम जून से होगा शुरू। 8.77 किलोमीटर लंबी लाइन में दो भूमिगत स्टेशन बनेंगे। मेट्रो रेल लाइन के दूसरे चरण का काम जून से शुरू होने की उम्मीद है। इसका प्लान पूरी तरह से बनकर तैयार है। मेट्रो की ऑरेंज लाइन यानी एम से करौन तक 14.99 किलोमीटर लंबी है। इसमें सुभाष नगर से करौन के बीच 8.77 किलोमीटर लाइन को बिछाने में लगभग 1,540 करोड़ रूपये खर्च होंगे। 180 गांव के 694 मतदाता केंद्र पर होता है विवाद। इन पर सशस्त्र जवानों की निगरानी में होगा मतदान। चंबा संभाग में शांतिपूर्ण मतदान करना प्रशासन के लिए हमेशा से चुनौती रहा है। चुनाव में हिंसक और खूनी संघर्ष होना सामान्य बात है। जिला प्रशासन ने 180 गांव ऐसे चिन्हित किए जहां चुनाव के दौरान विवाद और हिंसा होती है। जबलपुर हाईकोर्ट ने बीएड मामले में बढ़ाई सुनवाई। याचिका में मध्य प्रदेश सरकार के भर्ती नियमों को चुनौती। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड डिग्री धारकों को नियुक्ति देने के मामले में हाईकोर्ट में फिलहाल सुनवाई बढ़ गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2023 में बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति देने के लिए अयोग्य घोषित किया था। इसके स्पष्टीकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई 8 अप्रैल को हुई। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की समीक्षा बैठक। कहा किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन रहे मुस्तैद। मध्य प्रदेश में पहले चरण की चुनावी समीक्षा के लिए आज जबलपुर में संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शामिल होने मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन शामिल हुए, जिनके साथ साथ जबलपुर रीवा शहडोल संभाग के सभी जिला कलेक्टर एसपी और आला पुलिस अधिकारियों ने शिरकत की। एमपी बोर्ड 5वीं 8वीं के रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट। इस सप्ताह जारी हो सकते हैं परिणाम। कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस सप्ताह परिणाम घोषित कर सकता है। इसके बाद 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित होंगे। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट mprizults.nic.in या mpbsc.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर पाएंगे। होशंगाबाद में युवाओं ने बताई पीड़ा। बेहतर एजुकेशन और रोजगार के लिए शहर छोड़ना मजबूरी। चुनाव को लेकर विशेष कार्यक्रम सत्ता का संग्राम बुधवार को होशंगाबाद लोकसभा सीट पर पहुंचा। यहां सुबह सेठानी घाट पर लोगों ने विकास को लेकर बात कही। दोपहर में युवाओं ने अपनी बात रखी। संभाग मुख्यालय होने के बाद भी यहां शिक्षा और रोजगार के लिए विकल्प नहीं है। बेहतर शिक्षा पाना हो या बेहतर रोजगार, इसके लिए शहर से बाहर जाना ही एकमात्र रास्ता है। भूशाला में गर्भगृह में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई। साइट से हटाई गई मिट्टी। मध्य प्रदेश में धार की ऐतिहासिक भूशाला का 20वें दिन का सर्वे 5 बजे समाप्त हुआ, जिसमें टीम के 18 सदस्य और 29 मजदूर सर्वे समाप्त कर बाहर निकले। हिंदू पक्षकार, याचिकाकर्ता, मुस्लिम पक्षकार भी उसके साथ आए। लगभग टीम के द्वारा 9 घंटे सर्वे किया गया। भूशाला मुक्ति संगठन से जुड़े गोपाल शर्मा ने बताया कि एएसआई की टीम के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। इंदौर में आचार संहिता से पहले नहीं हुआ ब्रिज का लोकार्पण। जनता ने शुरू कर दिया आवागमन। निर्माण पूरा होने के बावजूद इंदौर में हाथीपाला ब्रिज का लोकार्पण 1 माह से नहीं हो रहा था। लोगों को ब्रिज न खुलने के कारण ज्यादा दूरी तय करनी पड़ रही थी। इसके बाद बैरिकेड हटाकर लोगों ने खुद ही ब्रिज का वाहन चलाकर लोकार्पण कर दिया। 35 सालों से कांग्रेस का इंदौर में गिरता रहा ग्राफ। अपने ही कामों को भुना नहीं पाई कांग्रेस।
इंदौर में 80 के दशक तक कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में रही, लेकिन 1983 में बनी भाजपा की निगम परिषद के बाद इंदौर में भाजपा संगठनात्मक स्तर पर मजबूत होती चली गई और अब स्थिति यह है कि इंदौर जिले की 9 सीटें और नगर निगम परिषद भाजपा के कब्जे में है। अब दागदार गेहूं भी खरीदेगी समितियां, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दिए निर्देश। संयुक्त किसान मोर्चा की चेतावनी के बाद हरकत में आई केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र निर्देशित किया कि अब बगैर किसी भाव की कटौती के किसानों का बारिश के कारण खराब हुआ गेहूं खरीदा जाए, हालांकि उस पर 30% तक का बंधन जरूर लगाया गया। ट्रेन का बंद होना बन गया चुनावी मुद्दा, भाजपा कांग्रेस सामने सामने। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में दूसरे चरण में यानी 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार जोरों पर हैं। दोनों ही प्रमुख सियासी दल भाजपा और कांग्रेस लोगों को रिझाने में लगे हुए हैं और जबानी जंग भी तेज है। सीबीएसई की बड़ी तैयारी, बदलेगी शिक्षा प्रणाली, कक्षा 6, 9 और 11 के लिए जल्द लॉन्च होगा एनसीईआरटी का पायलट प्रोजेक्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एजुकेशन सिस्टम में जल्द ही बड़ा बदलाव कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सीबीएसई जल्द ही कक्षा 6, 9 और 11 के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा। एनसीईआरटी के प्रयोग के लिए बोर्ड ने कई मान्यता प्राप्त विद्यालयों को आमंत्रित भी किया। मध्य प्रदेश के कई शहरों में बदला पेट्रोल और डीजल का भाव। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $90 के नीचे है। कंपनीज ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट अपडेट कर दिए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में कल इजाफा देखा गया। देवास और धार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 1 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हुई। चोइथराम को ऑपरेशन थिएटर खोलने की अनुमति मिलेगी, कैंप के लिए अभी इंतजार। इंदौर के चोइथराम नेत्रालय के ऑपरेशन थिएटर को कलेक्टर आशीष सिंह ने खोलने की अनुमति दे दी है। कुछ दिन पहले मोतियाबिंद के कैंप के दौरान यहां पर कई लोगों की आंख में इन्फेक्शन हो गया था। ये ऑपरेशन 20 मार्च को हुए थे। कैंप में 79 मोतियाबिंद ऑपरेशन हुए थे। बताया जा रहा है कि अभी सभी मरीज की हालत में सुधार है। राहुल गांधी के महुआ खाने पर सीएम मोहन यादव ने कसा तंज, बोले उन्होंने बताई अपनी मानसिकता। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान पहुंचे, जहां शहडोल से उमरिया जाने के दौरान उन्होंने आदिवासी महिलाओं को देखकर अपना काफिला रुकवाया और यहां इन महिलाओं के साथ महुआ बीनने के साथ ही इसे चक्कर भी देखा था। अब 7 मई को होगा मतदान, सिर्फ बसपा प्रत्याशी का होगा नामांकन। बैतूल लोकसभा चुनाव के मामले में बसपा प्रत्याशी अशोक भलावी के निधन के बाद चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। अब नए चुनावी कार्यक्रम का ऐलान किया गया। इस नए कार्यक्रम के अनुसार सिर्फ बसपा प्रत्याशी को ही नामांकन की इजाजत दी जाएगी। मतदान तीसरे चरण में 7 मई को होगा। भाजपा से दुर्गादास उइके और कांग्रेस से रामू टेकाम चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस ने न्यायपत्र को बताया भविष्य का रोडमैप, नेताओं ने अलग अलग मुद्दों की दी जानकारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बुधवार को पीसीसी में लोकसभा चुनाव को लेकर अपना न्याय पत्र जारी कर दिया। इस दौरान सभी नेताओं ने अलग अलग मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने न्याय पत्र को भारत के भविष्य का रोडमैप बताया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिस्सेदारी पता करने के लिए जाति आधारित गणना कराएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने बताया कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाएगी। चंद्रयान 3 की सफलता के 8 महीने बाद एक और खुशखबरी, वैज्ञानिकों ने कर दिया कमाल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने बीते साल अगस्त में चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंड कराकर इतिहास रच दिया था। अब दुनिया भर में चंद्रयान 3 मिशन को ख्याति मिल रही है। भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रतिष्ठित 2024 जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पास करने वाले ही बन पाएंगे आयुर्वेद व यूनानी कॉलेजेस में शिक्षा। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने निर्देश जारी कर साफ कर दिया है कि सरकारी और निजी आयुर्वेद यूनानी कॉलेजेस में वर्तमान सत्र 2024-25 में फैकल्टी यानी शिक्षक वही बनेगा जो राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होगा। पहली बार ये परीक्षा जुलाई 2024 में होने जा रही है। राजधानी में मौसम हुआ सुहाना, भोपाल जबलपुर समेत 22 जिलों में बारिश का अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर बनी 4 मौसम प्रणालियों के असर से बंगाल की खाड़ी अरब सागर से नमी आने का सिलसिला बना हुआ है। इस वजह से प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र के अधिकतर जिलों में गरज चमक के साथ वर्षा का सिलसिला जारी है। बेमौसम वर्षा से तपिश से तो राहत मिल गई, लेकिन ये मौसम किसानों के लिए आफत से कम नहीं। इससे खेतों में कचकर रखी फसल के बर्बाद होने की आशंका है। इंडिगो बनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन।
भारतीय कंपनी इंडिगो एयरलाइंस ने इतिहास रच दिया। अब इंडिगो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। इसने मार्केट कैप के मामले में साउथ वेस्ट एयरलाइंस को पीछे छोड़ दिया। इंडिगो एयरलाइंस का मार्केट कैप 17.6 अरब डॉलर हो चुका है। बता दें कि डेल्टा एयरलाइंस 30.4 अरब डॉलर के मार्केट कैप के साथ दुनिया में पहले नंबर पर और रयान एयर 26.5 अरब डॉलर मार्केट कैप के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है। इसी महीने पहली बार भारत आएंगे एलन मस्क, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। टेस्ला के मालिक एलन मस्क इस महीने के अंत में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भारत आने की योजना बना रहे हैं, जहां उन्हें भारत में निवेश और एक नई फैक्ट्री खोलने की अपनी योजना से संबंधित बात होने की उम्मीद है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया कि 22 अप्रैल से शुरू हो रहे सप्ताह में एलन मस्क भारत दौरे पर रहेंगे। इंदौर रेल लाइन प्रोजेक्ट 5 साल में भी नहीं बन पाई 2.8 किलोमीटर लंबी टनल। इंदौर दाहोद नई रेल लाइन प्रोजेक्ट में इंदौर धार के बीच पीथमपुर के पास बनने वाली 2.8 किलोमीटर लंबी टनल का काम पिछले 5 वर्ष में भी पूरा नहीं हुआ। हालांकि गत वर्ष से टनल का काम दोनों छोर से तेजी से किया जा रहा है, लेकिन अब भी 350 मीटर के हिस्से में खुदाई होना बाकी है। बता दें कि 2013 के बाद इंदौर दाहोद 205 किलोमीटर प्रोजेक्ट जमीन पर आया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।